हेलो गाइज हाउ आर यू गाइज आई होप गाइज ऑल आर डूइंग गुड एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे ब्लड फिजियोलॉजी बारे में उसका स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ब्लड कंपोजिशन बारे में तो चलिए शुरू करते हैं कोलोडल इन नेचर कोलोडल मीन्स क्या होता है जैसे चाय होता है चाय पे वाटर भी रहता है मिल्क पर्सन भी रहता है एंड चाय पत्ती रहता है सल्यूट रहता है चाय पत्ती तो हमारा जैसे ब्लड प्लाज्मा हो गया वाटर या मिल्क एंड फर्म एलिमेंट हो गया आपका चाय पत्ती ओके उसके बाद डेंस एंड मोर भिस्कॉस द वाटर होता है ब्लड होता है और टेम्परेचर कितना होता है थर्टी एट डिग्री एंड पीएच रहता है सेवन पॉइंट थ्री तो फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव अल्कालीन सोलसन होता है बेसिक सोलसन होता है ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा सोलर फ्लूड रहता है मेल पे कितना होता है फाइव टू सिक्स लीटर फीमेल पे होता है फोर टू फाइव लीटर एंड हीमोग्लोबिन परसेंट मेल पे होता है फोर्टीन एंड फीमेल पे होता है थर्टीन ग्राम पर डेसी लीटर उसके बाद देखें ब्लड कंपोजिशन तो ब्लड कंपोजिशन जैसे ब्लड प्लाज्मा 55 परसेंट रहता है स्ट्रो कलर होता है 91.5 परसेंट वाटर रहता है एंड 8.5 परसेंट सॉल्यूट जो रहता है वो प्रोटीन्स होता है सॉल्यूट प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन रहता है अल्बुमिन ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन का थ्री पार्ट रहता है जैसे अल्फा बीटा एंड गामा अल्फा ग्लोबुलिन वन अल्फ़ा ग्लोबुलिन टू बीटा ग्लोबुलिन वन एंड बीटा ग्लोबुलिन टू एंड उसका अमाउंट कितना रहता है इसे साइड पे लिख दिया हूँ और गामा ग्लोबुलिन रहता है और अल्फ़ा वन पे होता है आपका थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है अल्कालाइन बाइंडिंग प्रोटीन होता है अल्फ़ा वन एंटी ट्रिप्सिन रहता है एंड अल्फ़ा वन काइमोट्रिप्सिन ये चारों हो गया आपका अल्फा वन पे एंड अल्फ़ा टू ग्लोबुलिन पे होता है जैसे हेपाटोगलोबलिन होता है अल्फा टू माइक्रोग्लोबलिन होता है सेरोलोप्लाजमिन ये सब हो गया अल्फा टू पे, ओके उसी तरह का जो बीटा वन होता है जो बीटा ग्लोबुलिन वन होता है उसी पे होता है ट्रांसफेरिटिन एंड हेमोपेक्सिन ये हो गया बीटा वन एंड बीटा टू पे होता है माइक्रोग्लोबुल एंड प्लाजमिनोजन एंजियोस्टेंसिन प्रोफरडीन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ये सब हो गया आपका बीटा टू ग्लोबुलिन पे ओके उसका अमाउंट आप देख सकते हो ग्लोबुलिन अल्फ़ा जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट थ्री ग्राम पर डेसी लीटर जीरो अल्फा टू पे होता है जीरो पॉइंट सिक्स टू वन पॉइंट जीरो ग्राम पर डेसी लीटर एंड जैसे आप देख सकते हो बीटा वन ग्लोबुलिन बीटा टू कितना होता है जीरो पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट टू ग्राम पर डेसी लीटर गामा ग्लोबुलिन होता है जीरो पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट सिक्स ग्राम पर डेसी लीटर एंड फाइब्रीनोजन होता है टू हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड मिलीग्राम पर डेसीलीटर ओके और जितना हमारा जो प्रोटीन रहता है जो प्लाजा प्रोटीन रहता है मैक्सिमम सिंथेसिस होता है मोस्टली हमारे लिवर से एंड ओनली एक्सेप्शन रहता है गामा ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो लिंफोसाइड से फॉर्मेशन होता है ओके okay? देन उसके बाद रखें फॉर्म एलिमेंट तो ऐसे में डिफरेंस कर दिया हूँ आपको याद रखने के लिए इजी होगा तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लाटीलेट्स ये थ्री पार्ट होता है फॉर्मे एलिमेंट एंड आर बी सी क्या होता है एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स एंड लिफोसाइड्स ये हो गया आपका लाइफ स्पान देखेंगे कितना आर बी सी का वन ट्वेंटी डे डब्ल्यू बी सी का फोर टू फाइव डेज एंड प्लाटीलेट्स का सेवन डेज मीन्स आर बी सी का अमाउंट कितना रहता है फाइव मिलियन डब्ल्यू बी सी का टेन थाउजेंड प्लाटी का एक लाख पचास हजार टू तीन लाख इतना रहता है प्लाटी एंड जो आर होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है पहले जब ओरिजिन होता है जो एरिथ्रोपोसिस होता है तभी पहले न्यूक्लियस होता है फिर उसके बाद में बॉडी से रिमूव हो जाता है देन रेटिकुलर साइड्स फॉर्मेशन करता है देन मेचोर आर फॉर्मेशन करता है तो न्यूक्टेड होता है नॉन न्यूक्टेड उसका सेप कैसे होता है बाइकॉनकेप होता है और डब्ल्यू का इरेगुलर सेप होता है प्लाटीलट्स का इरेगुलर सेप आर वन होता है डब्ल्यू बी सी ग्राउंडुलर ए ग्रामुलर तो इसी पे आप देख सकते हो ग्रानुलोसाइट्स एंड ए ग्रामुलोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइड्स योगे ग्रानुलोसाइट्स एंड ए ग्रानुलोसाइड्स तो एन ई बी ऐसे नीब याद रख सकते हो जैसे न्यूट्रोफिल एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स ओके एंड ए ग्रामुलोसाइड्स पर मोनोसाइड्स एंड लिम्पोसाइड्स उसका परसेंटेज कितना है कौन सा तो आपको याद रखने के लिए सबसे हाइस्ट एंड लो, लोएस्ट कितना है जैसे हाएस्ट है सबसे न्यूट्रोफिल्स एंड सबसे लोएस्ट सबसे लिस्ट अमाउंट है बेसोफिल्स उसको याद रखने के लिए ये है ए सिंपल सा ट्रिक नेवर लेट मोंकी ईट बनाना एन पे न्यूट्रोफिल्स एल पे लिम्फोसाइड्स एम पे मोनोसाइड्स ई e पे यसिनोफिल्स बी पे बेसोफिल्स ये आपका हो गया सीक्वेंस वाइज वन टू थ्री फोर फाइव याद रख सकते हो रेड बोन मैरो तो उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है फॉर्मेशन होता है आर का रेड बोन मैरो से एंड डब्ल्यू बी सी का लिप नॉट एंड स्प्लिन से होता है थाइमोसग्राम में भी होता है एंड प्लाटीलेट्स होता है मेगा से फॉर्मेशन होता है प्लाटीलेट्स आर बी सी का इसी पे देख सकते हो आर बी सी का जो होता है उसका रेड कलर होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन रहता है इसलिए रेड कलर होता है और डब्ल्यू ई सी पर हीमोगलोबिन नहीं रहता है और नॉन मोटाइल होता है नॉन न्यूक्लेटेड ये होगा नॉन न्यूक्लेटेड जैसे प्रो प्रो एरिथ्रोसाइट्स और न, प्रो नॉर्मो ब्लास्ट जो होता है उसमें क्या होता है न्यूक्लिएट प्रेजेंट होता है बट उसके इवेंचुअली क्या होता है जब रेटिकुलोसाइट्स फॉर्मेशन होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाता है देन आप देख सकते हो आर का फॉर्मेशन कैसे होता है जब फर्स्ट ट्राइमिस्टर होता है उसमें योक्स में होता है जैसे हमारा क्या उन एमरियो जो होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे पर योक्सैक् सेकेंड ट्राइमेस्टर पे लिवर लिवर सेल होगा थर्ड ट्राइमेस्टर पे क्या होगा बोन मैरो पे होगा ओके रेड बोन एंड येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो होता है इवेंचुअली वो क्या होता है ना येलो बोन मैरो में ओके और रेड बोन मेरो हमारा क्या होता है एक्टिव होता है एरिथ्रोपोएस उसके बाद देखेंगे हम कैसे फॉर्मेशन हो आर बी आरबीसी डब्ल्यूबीसी बी तो इसी फिगर पे आप देख सकते हो जैसे आप देख सकते हो प्यूरीपोर्टेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल प्यूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल पी एच एस सी ओके ये फॉर्मेशन क्या होता है जैसे माइलोइड स्टेम सेल एंड लिम्फोइड स्टेम सेल फिर से माइलोइ स्टेम सेल क्या होता है फाइव टाइप डिवाइड होता है वन टू थ्री फोर फाइव ओके एंड होता है सी एफ यू सी एफ यू का फुलफर्म क्या होता है ना कॉलोनी फंक्शनल यूनिट न सी एफ यू एम ई -E जी क्या होता है मेगा कैरोसाइट्स होता है सी एफ यू जी एम क्या होता है ना ग्रानुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स इसी पे होता है मोनोसाइट फॉर्मेशन करता है एंड इसी पे होता है न्यूट्रोफिल्स एशिनोफिलिक माइलोब्लास्ट एंड बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट ओके उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कैसा है तो सी एफ यू ई क्या होता है प्रो एरिथ्रोम ब्लास्ट प्रो एरिथ्रोम ब्लास्ट क्या होता है न्यूक्लिएटेड होता है प्रो एरिथ्रो ब्लास्ट होता है न्यूक्लिएटेड देन इवेंचुअली क्या होता है जब रेटिकुलर होता है वो न्यूक्लियस होता है रिमूव हो जाता है बॉडी से साइटोप्लाज्म से रिमूव हो जाता है देन फॉर्मेशन होता है मेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स ओके देन सी एफ यू एम ई जी क्या होता है मेगा कार्डियो ब्लास्ट मेगा कैरियो ब्लास्ट होता है एम ई जी मेगा कैरियो ब्लास्ट फॉर्मेशन करता हैं मेगा कैरियोसाइड्स एंड वो मेगा कैरियोसाइट से फॉर्मेशन होता है प्लाटीलेट्स ओके okay? जो हमारे प्लाटीलेट्स क्या होता है ना क्लोटिंग फैक्टर होता है देन सी एफ यू जी एम मोनोब्लास्ट एंड माइलो मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट्स एंड माइक्रोफेज देन माइलो से न्यूट्रोफिल्स उसी तरह का एशिनोफिल्स माइलोब्लास्ट से क्या होता है एसोफिल्स एंड बेसोफिलिक बेशोफील होता है माइलोइड स्टेम सेल हो गया और एक होता है लिम्फोइड स्टेम सेल लिम्फोइड स्टेम सेल होता है टू पार्ट होता है जैसे प्री बी सेल एंड प्रो थाइमोब्लास्ट एंड प्री बी सेल फॉर्मेशन कहते हैं बी लिम्फो लिम्फोब्लास्ट बी लिम्फोब्लास्ट एंड बी लिफो ब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है बी लिम्फोसाइट्स लिम्फोब्लास्ट लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल उसी तरह का जो है प्रो थाइमोसाइट्स होता है टी लिम्फोब्लास्ट एंड टी लिम्फोसाइट्स तो इसी को आप इसके ले सकते हो इट्स ऑल अबाउट ब्लड फिजियोलॉजी एंड नेक्स्ट वीडियो होने वाला है क्लोटिंग फैक्टर तो आई होप का इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना थैंक यू सो मच पीस